Hey guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie and Nanu's vlog. तो आज है शुक्रवार, फ्राइडे, और ऑफिस के लिए ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ. बस बाल बनाने बाकी हैं. नहा धो के रेडी. हमारी लड़की को देखो, ये भी रेडी हो चुकी थी, बट उतने में हमारी लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई. इसको फीवर हो गया, इसको हेडेक हो रहा है, इसको वॉमिट आ रही है, और इसको पीरियड्स भी हो गए, और उसके बाद उस चीज से इसका बैक में पेन हो गया. तो इन शॉर्ट हमारी लड़की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी तरीके से खराब हो रही है. और आज मेरा इंटरव्यू था एक जगह, ऑफिस लेट जाने वाली थी, इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, जिसकी वजह से मुझे हाफ डे लेना पड़ रहा था. और ऑलरेडी मतलब वो इंटरव्यू मैंने दो दिन बाद रीशेड्यूल करा दिया, क्योंकि मैं इधर उधर भी था, कभी बैंगलोर थी कभी कहीं, बट आज फिर से भी स्केड्यूल कराने के लिए मैंने बोला है. पता नहीं है वो करेंगे कि नहीं. तो अगर नहीं भी हो तो यार बात सिर्फ इतनी है कि हेल्थ से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है. इंटरव्यू क्या है, एक गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा गया तीसरा आ जाएगा, है ना. इंटरव्यू वाली बंदी बोली मैम आप इंटरेस्टेड हो ना जॉब में, होता है यार. बट माई लड़की ना एक्चुअली अभी भी गर्म है. तुम दवाई खाई? हाँ, तो अभी कल दवाई खाओ. इसको ऑलरेडी 100 याद हो गई थी, बताओ. कोई बात नहीं, इसको अभी ऑलरेडी 100 फीवर हो चुका है. बढ़ने से पहले इसको दवाई खिला दी जाए. इसको अभी जस्ट हमने चाय ब्रेड खिलाई है ताकि ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए. तुम चेंज करने के पहले दवाई खाओ. तो इसको जरा हम दवाई खिला लें, फिर देखते हैं क्या सीन होगा. कुछ नहीं होगा, इसको चुप करके सुलाना है, कुछ नहीं करना है. उल्टी आ रही है. सुबह से बहुत ज्यादा हालत टाइट हो रखी थी, अब जाके थोड़ा बेटर फील लग रहा है. और नानू ने मेरे लिए खिचड़ी भी बना दिया है, तो मैं खिचड़ी खा रही हूँ. और एक बज गया सुबह से, मैं लेटी हुई थी, रेस्ट ही कर रही थी, कुछ नहीं कर रही. अब फीवर उतरा तो अब गर्मी लग रही है. इसको किसी ने भूखे भेजा, देखो किसने भेजा होगा, बताओ गाइस. आप बता दो किसने भेजा है. ऐसा भूखे कौन भेजता है, एक फूल का भूखे. और एक फूल का बुके भेजा, क्यूट होता है, ठीक है. बताओ एक फूल का बुके भेजा है. बुके ही है वो, ये तरीका. एक फूल फ्लावर होता है बाबू, बहुत सारे वो फूल का बुके बोलता है, ठीक है. बुके भेजा है किसी नंबर का, बताओ कितने भेजा है, कौन है ये वो शैतान, कौन है वो गंदा बच्चा, बताओ. और ये दीदी अब जा रही है ऑफिस, क्योंकि इसने मेरी वजह से हाफ डे ले लिया था, क्योंकि मेरे तो बैठी दी थी. एक्चुअली हाफ डे लिया था क्योंकि मेरे को चाहिए था मैं इसको ले जाऊँ अपने इंटरव्यू पे, दूर था क्योंकि, पर मेरी हालत ही नहीं ठीक रही कि मैं जा पाती. मतलब किसी को देखे अपने इंटरव्यू में लेके जाने, इसलिए मैं हाफ डे लवा रही है. दूर था ना वो, इसलिए मैंने कहा तो दूर जाना पड़ेगा अकेले. फिर मैंने कहा इसको पूछ लेते, और इन्हें हाँ कर दी. दिखाओ, इसको दिखाती हूँ. दीदी नया बैग उठाया भी नहीं, अब तक इतना क्या. देखो यार नया बैग, बिल्कुल. देखो दीदी को, दीदी कहाँ जा रही हो, चिड़िया पहन के. चिड़िया ईगल नहीं होती, ईगल चिड़िया होती है. हाँ तो चिड़िया होती है ना, पर बिल्कुल बर्ड फैमिली में ही आती है. ओह माय गॉड गाइस, अरे मैच कर रहे मेरे सॉक्स और बैग. ओह वाओ वाओ, मैचिंग मैचिंग. तो गाइस इसको मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ के जा रही हूं, तो ध्यान रखना इसका. और एक दो बार बीच में वापस से मिल लेना आप, तो ये नॉर्मल हो जाएगी. मतलब ये मिल लेगी आपसे. मिलोगे क्या? ठीक दिया मैंने, अब नहीं मिल पाओगे. मिल पाएगी जब सर्दी खांसी होती है ना, खांसी चीखे नॉर्मल. दिन में 50 बार ऐसे टाइम पे चीखेगी ना, तब नहीं चीखना चाहिए. तो सुस्ती तो कल आ जाती है. अरे तो करा रहा हूँ ना, जूते ना पहनू. तो बैग का लट काली ऐसे देखो, और शुरू करो जाओ बाबू, शुरू कर ले. नहीं शुरू कर ले, क्या जा रहा, क्या जा रहा अकेला. अगर ये इसके बहुत मजा आता है, इसको बेल्ट लगा के नहीं ले जाते ना, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है. हाँ मम्मी घर में लग गई है, सब भूख भी लग रही है. खाना भी खा लेते हो, फिर मिलेंगे बाद में, है ना गाइस. बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी. मेरे को ना अभी वापस फीवर आ गया था, नानू को जाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया घर में, दो तब मेरे को ठीक लग रहा था, बट अभी वापस से मेरे को फीवर आया, बड़ा गंदा ऐसे एकदम, बहुत ही अजीब सा हो गया था. फिर मैंने दवाई खाई है दोबारा, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है. और अब 7 भी बज गए, तो हम दोनों भाई नानू का वेट कर रहे हैं. दोनों भाई नानू का वेट कर रहे हैं. यार ऐसे को ऐसे बैठा है ये लड़का, अपने कपड़े ऊपर वो रखे, ज़्यादा दिखाएंगे नहीं वाशू को. तो हम दोनों यहाँ पर बैठ के वेट करें नानू का, और नानू आ जाएगी तो फिर हमें अच्छा लगेगा घर में, क्योंकि अकेला अकेला अच्छा नहीं लगता ना बीमारी में. मेरे को तो नहीं, अब मैं तो ज़्यादा हालत ख़राब होती तो मेरे को रोना आ जाता है. मैं रो रही थी सुबह भी,
पता नहीं कैसे वायरल वूरल हो जा रहा है यार, बड़ा गंदा हो जाता है। क्या करें, और मैंने सलार लगा रखी, मेरा मन भी नहीं कर रहा, मैंने कहा कुछ तो कर ले, बट इसलिए मैंने मूवी लगा ली। गाइज जी आ गई, गाइज मुझे भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है गाइज, कुछ मंगड़ाइयाँ ले रहा है और तुम्हारे पास आए हो, वो बुला रही है, वो नहीं जा रहा, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का उसने दिल पे लिया है गाना, ये वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, कैसे बैठा है। अच्छा अच्छा, और ये लड़का फिर गया मेरा, देख रहा गोलू शक्ल को। पागल है क्या, क्या लगाया है? कुछ देर पास ही आ रहे हैं दवाई खा के, बट टाइम हो गया हमारे को दवाई खाए हुए तो। गाइस क्या खाया चली, और ये सब कल की नहीं बात कर, अभी की बात, ये सब खाया मैंने, अभी मखाने खाए, अखरोट खाया, उधर वो पैकेट रखा, दूसरा वाला वो खाया, दूसरा का पैकेट वो जो है पेपड़ी पापड़ी, पापड़ी खाई थी मैंने, पापड़ी पेपड़ी पापड़ी चाट, मैंने टिक्की खाई थी दिल्ली में, आलू टिक्की मस्त यम्मी यम्मी। जैसा कि मेरा कुछ मेरे तो हिम्मत है नहीं बनाने की, तो नानू ने मेरे लिए कुछ मंगाया है मेरे को, और पता है क्या हो रहा है, फीवर खाने मतलब होने के बाद है, मतलब फीवर है और दवाई खा रही हो ना, दवाई खाने के बाद भी पूरा फीवर नहीं उतर रहा है मेरा, 99 है ही, शाम से बड़ा अजीब सा हो रहा है। क्या आया, किसी का पिज्जा, यार दे दो यार, किसका पिज्जा ले आए तुम, हमारे नहीं पता, हमारे मंगाया, अरे नहीं दे दो यार, पिज्जा तूने मंगाया, अरे इसका है मंगवाया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे लिए मंगवा गया है, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं ये कौन सी क्रेडिट होता है, इसका मतलब थोड़ी इसके लिए हो गया कुछ भी, we need to have special process too, then you are guys guys, अरे यहाँ पे सुनो, बाय सुनो, नानू के अलावा स्मृति के भी सीक्रेट एडमायरर है जो खाना भिजवा रहे हैं उसको, और आज देखो क्या बात है, इसकी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पिज्जा खाया, we need a confirmation कि तुम्हारा है कि नहीं, पिज्जा तो तुमको पता ही है, पिज्जा ही आया, नहीं नो नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, पता है दाग का दरवाजा आधा खोली और बंद करके वापस आ गई, देखो इसी का ही था ना, रहने मत दे इसे, अब आधा पिज्जा दे, आधा ले ले चोकोलावा ले ले, और चोकोलावा तो देना भी मत, कौन सा चोकोलावा, जो भी है चोकोलावा, चोकोलावा चोकोलावा ही होता है कहीं का भी हो, चोकोलावा चोकोलावा, अच्छा ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम आजकल, तुम्हें जो भेजा है वो देखो भाई, इनने पता नहीं क्या भेजा, मैं देखूंगी भाई, सब बात यह है कि दीदी का पिज्जा आया है, सीक्रेट एडमायरर का नाम नहीं बता रही है मैं, बोलते चाहने वालों की कमी नहीं है मेरे पास, ऐसा बोल रहे हैं, स्पेशल पर्सन टू ऐसा बोल रहे हैं, दो स्पेशल पर्सन है ऐसा कह रही है, स्पेशल पर्सन टू, पहला कौन है, टी टू ऊ देखो स्पेशल पर्सन नाम नहीं बता रही है, टू स्पेशल पर्सन बोल रही है उसको, समझ रहे हो भाई, लोग छुपा रहे बातें, अच्छा देख के सही है यार, तू क्या कर रही है, ये नहीं दिखा रही है, देखो ना, दिखाओ, देखो क्या ला रही है दोनों, अशु आ जाओ ऊपर, आ जाओ बाबू, ये देखो का पीछे पड़ी पड़ी, अशु भाग गया नीचे टेबल पे, अशु भाई अरे ले आ मेरा खाना भाई, अशु खाना नहीं दे रही बाबू, ये खाना नहीं दे रही मम्मा को, अशु कहाँ है, अशु कहाँ गई, नानू नानू कहाँ है, चल लेके आओ, जल्दी जा, कहाँ गई देख, जल्दी देख कहाँ गई नानू, जल्दी लेके आओ, जाओ उधर जाओ, आ जाओ जल्दी ले आ, देख लिया, भागा 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 भागा, वाओ वाओ, ओहो हो, वाओ 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 वाओ, पगला गया मेरा लड़का, पगला गया,
खराश हो रही है बाबू तेरे को। ये डुगू बन रहा। और शुक्र नहीं आया कि मम्मी के लिए। तो बहुत गर्म है। तो गर्म ना रंग खाना। अच्छा गर्म है तो। गर्म ना रंग खाना। छी छी डी से गर्म खाना मंगाया घर पे देखो। ना गुज्जा तो गुज्जा ले गुज्जा। ओ बड़े अच्छे तरीके से दे रहे आज। बड़ा अच्छा दे रहे। ना न्यू बनाया लगता है। यस। छी छी डी। ओहो हो। वो ज्यादा ही। ज्यादा तरीके से दिया है। प्राइस भी बढ़ा रही है यार पता तुमको। सारे टमाटर तो बाहर निकले कमेंटी आधी आधी तोड़ दिया इन लोगों ने क्या किया छोटी हो गई इनकी छोटी भाई ये छोटी छोड़ मुझे लग रहा आधी की भी आधी कर दी है इन लोगों ने देखिए बेबी क्रॉस हो दी है बेबी क्रॉस हो ऐसा लग रहा आधी को आधी काट दिए जैसे हम आधी काटते हैं ये तो ज्यादा हो गया यार ये बड़ी बेबी क्रॉस हो दे दी इन्होंने भाई प्राइस बढ़ा दिया इन लोगों ने पता हम खुद ही मंगवा लेते क्रॉस बना लेते घर में लेटर्स भी जले हुए थे सूखे पुराने इन लोगों ने मुझे लग रहा है ऐसा डाल दिया है तो कंप्लेन डाल डालो अब भी कंप्लेन और देखो लेटर्स पूरे पत्ते जले हुए हैं वो या बट इसके लिए वो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि इंटरनल खाने की चीज के लिए दे कांट डू एनीथिंग ना नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा इसकी शक्ल ही इसकी पहचान है डर याद रहे सो गाइस मीट दिस उतरी हुई शक्ल वाली ईवी शर्मा जिसने भी पूछा मेरे हाथ में क्यों है मेरे हाथ में चोट लगी थी और कुछ नहीं हुआ नॉर्मल चोट लगती रहती है वो चोट लगी थी तो ऐसा कुछ मेरे को कोई बड़े बड़े जाए तो चोट वोट नहीं लग गई ठीक है नॉर्मल चोट लगती रहती है मुझे मैं ठुकती रहती हूँ एज पर अच्छा जो नॉर्मल हर दूसरे ब्लॉग में बोलती है इसकी आदत है ठुकने की तो यस ठुक गए लग गई ये एक तो ये भाई जो लोग पूछते हैं ना अलग अलग 10 स्टोरियां अभी तक लोगों को बता चुकी है तो इट्स लाइक इससे तो पूछो ही मत कि क्या हुआ है शक्ल देख लो इसकी देखो देखो साइकिल लग गई टेबल लग गया ऑफिस में लग गई आजकल मुंह में खुदाई चल रही है वहां पे जाके फावड़ा लेके करने लग गई ये देखो नई स्टोरी हाथ दे दी और कुछ तुम बताओ तुम्हारी स्टोरी बताओ मैंने तो बोल दी बस ऐसे चोट लग गई उसमें कौन सी बड़ी बात थी बस लग गई तो लग गई क्या देखो हमारी लड़की इतने समय क्या ही होगा तेरा अभी तेरे को हल्दी वाला दूध दे देंगे रात को क्या हुआ चोट लगी है इसको मिलेगा रात को हल्दी वाला दूध क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है गाइस तुम्हें हम हॉट चॉकलेट बना कर नहीं खाना तो खाना फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाना तो गाइस हमारी लड़की को आज हम देंगे हॉट चॉकलेट या फिर हल्दी वाला दूध जल्दी से बताइए कौन सा वाला ज्यादा बेटर रहेगा हल्दी वाला दूध नानू के साथ थोड़े अच्छे से रहा करिए आप नानू से प्यार नहीं करते ऐसा कमेंट पड़ा है हमने आज आप सबको सब पता चल जाता है क्या करना भी है छुपा के सारी चीजें खुल्लम खुल्ला करनी चाहिए चाहे वो प्यार हो चाहे वो नफरत हो समझ आई इससे ज्यादा इस आवाज में मेरे से बात नहीं होगी है ना गले उतना ही चलता है जितना चलना चाहिए कल रात को व्लॉग एंड नहीं कर पाया इसलिए आज आपको ये व्लॉग भी बहुत लेट से मिल रहा है पॉइंट ये है कि आप मुझे जिस हालत में देख रहे हो मुझे बहुत लेट हो चुकी है मेरे को ऑफिस जाना है एंड यार मेरे को आप बोल रहे हो चश्मा क्यों लगा बार बार धूप है इसलिए इग्नोर दैट सो रात को इसलिए एंड नहीं कर पाया क्योंकि रचा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो जस्ट उसको मैंने थोड़ा सा खाना ही बस जबरदस्ती खिलाया है उसके बाद उसको दवाई दी एंड शी जस्ट ऐसे सोई है कि पूछो मत ऊपर से तो ऐसे हो गया कि मेरा मैं ना खाना खा रही थी कुछ मंगाया था तो राइट हैंड से खा रही थी उतने में उसने क्या किया सोते सोते राइट हैंड पकड़ लिया अब मेरे को समझ नहीं आया कि मैं लेफ्ट हैंड से कैसे खाऊं तो आई ट्राइड कि मैं लेफ्ट हैंड से खाना स्टार्ट करूं फिर मैंने लेफ्ट हैंड से खाना खाया बट
बोल दो कि कल मेरा साथ ही पता नहीं क्या ही सीन था, जैसे खाना शुरू किया भूख बहुत जोर की लगी थी, और जैसे मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, खाना शुरू किया लेफ्ट हैंड से एक दो बाइट की, खाई खाई खाई, और उस खाने में निकल गया बाल, मूड की ऐसी की तैसी हो गई, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, और लिटरली वो पूरा पूरा खाना फीका है, बट वो सो गई थी, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। एक्चुअली वो होता है ना कि जब तबीयत खराब हो तो जितना सोए बंदा उतना जल्दी ठीक होता है, तो यस वो सो गई थी। एंड उसके बाद सुबह उठते के साथ उसको वापस से इतनी तेज फीवर हो गया, उसको आज सुबह डॉक्टर के पास लेके गए हैं पहले, और डॉक्टर से मेडिसिन लगवाई है, फिर जाके उसको अभी थोड़ा आराम है, बट ये सब चीज़ों को बाद में करते हैं क्योंकि मुझे निकलना है ऑफिस के लिए, मुझे बहुत लेट हो रही है। सो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, आपको करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, गीची गीची गुस्से, आई लव यू, थैंक।